आईसीएसई ते आईसीएस दी 10वीं ते 12वीं दियां जमातां दे रिजल्ट लॉकडाउन दे कारण 2 महीने दी देरी दे नाल शुक्रवार नूं जारी कर दिते गए। 10वीं जमात दे विच हाली हर्ट प्रेजिडेंसी स्कूल अमृतसर दे छात्र निवेश सहगल ने 98.6% अंक लैके जिले दे विच पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने अनुसार सोशल मीडिया तो दूरी के कारण ही वह टॉपर बन पाया है। निवेश गेट हकीमा दे महला हरगोबिंदपुरा का रहने वाला है। टीचर माता पिता का बेटा आईएएस अफसर बनना चाहता है। जिले के टॉपर निवेश सहगल ने कहा कि सोशल मीडिया तो दूरी अते माता पिता की गाइडेंस से ही वह टॉप कर सके। महला हरगोबिंदपुरा के रहने वाले निवेश के पिता डॉक्टर अजय सहगल खालसा कॉलेज विच कमर्स के प्रोफेसर ने। माता रश्मि सहगल सरकारी स्कूल दे विच साइंस मिस्ट्रेस है। परिवार वाले ने दस्या कि उन्होंने कभी भी उसनू कंपेल नहीं किया। पढ़ाई दे विच पेरेंट्स का साथ तो रहिंदा ही है, पर निवेश की माँ का इस तो ज़्यादा हथ है। उधर गलबात करद निवेश ने दस्या कि टॉपर की घोषणा होंदे ही उसनू मुबारकबाद देने वालों के फोन आने शुरू हो गए ने। कोरोना के कारण सारे ने दूर तो ही फोन पर वधाई दी है। उसने दसाया कि वह बीटेक करन तो बाद आईएएस बनना चाहता है। उसनू लगता है कि टीवी और सोशल मीडिया तो दूरी बना के सफलता पाई जा सकती है। इस दे ही बदौलत उसके 98.6% अंक आए ने। निवेश के अनुसार वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इनफॉर्मेशन के लिए ही करता है। डॉक्टर अजय सहगल, मैं खालसा कॉलेज कॉमर्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ, और अज मैं ये भी दस दिया बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने पूरे अमृतसर डिस्ट्रिक्ट दे विचों टॉप किया और उसने 98.6% मार्क्स लेते ने। और इस वारी चलो आईसीएसई अपनी कोई मेरिट लिस्ट तो नहीं जारी कर पाई, पर मैं ये उम्मीद हैगी है कि जिस हिसाब से इसके नंबर आए ने, एक घट्टो घट मतलब टॉप 10 रैंक्स दे विच पूरे नैशनल लैवल से जरूर होएगा अगर लिस्ट अगर जारी कर दी तो। और हमेशा चलो ये मेहनत करता रहा है और उस मेहनत का फल मिले इसनों, और इस मेहनत के पिछे नो डाउट चलो पेरेंट्स की भी मेहनत होंगी है, लेकिन ये मदर की जी है कॉन्ट्रीब्यूशन वो बहुत ज़्यादा है इस दे विच, और उन्होंने बहुत मेहनत इनू करवाई है। ये सैल्फ स्टडी से भी ज़्यादा विश्वास रखता सी, खुद ही इतने पढ़ता रहा, कोई प्राइवेट कोचिंग इन्हें नहीं लिती। मेरे मदर ये तैयारी करवाते रहे हैं, मैं उस दे विच चलो कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने मुकाबले बहुत घट है। लेकिन मैं ये खुशी है कि इन्हें एक अच्छा अज मुकाम एक हासिल किया अपनी जिंदगी दे विच, 10th दे विच आईसीएसई दे विचों ये पोजिशन अटेन करके, और ये खुशी मतलब बयान करनी शब्दों दे विच बहुत मुश्किल है ईवन मेरे लिए, मतलब इन्नी क खुशी सानू हो रही है और बहुत एक प्राउड मूवमेंट है पेरेंट्स लई और हमेशा आउंदा है हर एक लई जी। ते की बनाना सीगा, की सोचा सीगा बनाउंदे? असी इसनू अपने वल्लों कभी किसी चीज़ ते सर कंपेल नहीं कीता कि हाँ बई, हमेशा यही हो गया कि अपने इंट्रस्ट नू फॉलो करो और हमेशा इंट्रस्ट नू फॉलो करना चाहिए। और बीइंग ए टीचर मैं क्लास दे विच भी अपने बच्चों नाल भी हमेशा यही शेयर करता हुंदा कि अपने इंट्रस्ट नू हमेशा पहले प्रैफर करो। ये जरूर है को यही पुछदे सी कि हाँ बई तेरा इंट्रस्ट की है, और प्लस वन के जो हूँ इन्हें जाना सी तो इन्हें क्या पापा मैं मतलब नॉन मैडिकल करना चाहना, अगे बीटेक दे विच मेरा इंट्रस्ट है। और मैं इस दे एक पॉइंट जरूर देखा सी कि ना जीके री काफ़ी अच्छी रही है शुरू तो, बहुत सारे कंपीटिशन से भाग पहले लेंदा रहा, नैशनल लैवल पर भी कुछ होए ने प्रोग्राम्स, कुछ स्टेट लैवल पर होए ने। इस दे विच बैटल ऑफ ब्रेनस दे विच इसने टॉप किया सी, काफ़ी उसके मतलब कंपीटिशन होंदे रहे डिफरेंट लैवल से उपर डिफरेंट फेसिस के उपर, जिस दे विच इन्हें फर्स्ट पोजिशन अटेन की और 31,000 ईवन प्राइज मनी भी इसने प्राप्त की उस दे विच, उदों भी सानू बहुत खुशी हुई सी। ते उस पॉइंट नू देखदे आया मैनू थोड़ा जा लगता सी कि ये थोड़ी जी होर मेहनत करे तो आईएएस वल जा सकदा है, उहदे लई मैनू थोड़ा जा जरूर मोटीवेट किया, तो इस दा उस विच इंट्रस्ट बनिया कि हाँ भाई मैं आईएएस भी नाल करना चाहना। सो यही फिलहाल इसका एम इस वक्त है कि बीटेक तो करेगा करेगा, बीटेक के नाल नाल आईएएस की तैयारी करके ते किसे आईएएस लैवल दे उपर पहुँच सके। स्टडी वालों कितना कितना जोर लाएगा? स्टडी वालों सपोर्ट जी मेरे वालों थोड़ी घट ही रही है नो डाउट, कि चलो मेरा अपना भी शड्यूल सी मतलब कॉमर्स नाल रिलेशन होने करके मैं इनू मैथमैटिक्स की तैयारी जरूर करवाता रहा,
ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਸਾਇੰਸ ਮਿਸਟਰੈਸ ਨੇ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 20-25% ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਟ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਮਿਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੁਇਜ਼ ਆਏ ਇਸਮੇ ਪਾਰਟ ਲੇਤੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਨੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਪਰ ਵੀ ਕੁਇਜ਼ ਹੁਆ ਥਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਉਸਮੇ ਵੀ ਟੋਪ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋ ਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਰਹੀ ਕੰਪਟੀਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਡਿਬੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਤੋ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਈ ਇਹ ਏਮ ਕਿ ਆਈਐਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਕਾ ਇਗਜ਼ਾਮ तो फिर इसके लिए चुनी कि नॉन मेडिकल लाइन जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी था तो इंटरेस्ट था फिर मुझे था कि बीटेक करनी है और आईएएस के लिए तो वैसे भी चाहिए डिग्री तो आईआईटी का भी था मेरा कि इसमें भी अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आएंगी बीटेक में तो बस फिर यहाँ से हुआ शुरू करते हैं नहीं सोशल मीडिया का बड़ा लिमिटेड मतलब वो भी जैसे न्यूज़ के फॉलो किया मतलब इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स काफ़ी हैं मतलब जरूरी नहीं कि बस डिस्ट्रैक्शन ही वो तो काफ़ी मतलब टाइम भी नहीं था इतना कि स्कूल काफ़ी आर्स थे तो फिर वहाँ से आना तो इतना टाइम बचता नहीं था फैमिली के साथ तो मतलब सबसे अच्छा रिलेशन था मतलब कि उनसे तो ऊपर है नहीं वैसे कुछ मतलब सबके साथ अच्छा था मतलब ना कभी कुछ हुआ ना कुछ मतलब सारे कहते थे कि बड़ा सिंपल सॉबर ये कुछ ब्यूरो रिपोर्ट दिव्या पंजाब टीवी अमृतसर।